वेलकम टू गुरुकुल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पोल साइंस के क्वेश्चन आंसर के रिव्यू की, कि आखिर एक नंबर के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट दो नंबर के, चार नंबर के और छः नंबर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस मेरे वीडियो देख लिए होंगे, चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर और चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, इनकी आप एक बार, अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तो एक बार आप इनकी समरी देख लीजिए। अब हम इनके प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अंक वाले प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ पश्चिमी गठबंधन के लिए कौन सी संधि की? तो इसका आंसर है नाटो। आपको पता है अमेरिका ने पश्चिमी गठबंधन के लिए नाटो की संधि की थी। दूसरा, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों में उदय हुआ? तो आपको पता है ये द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया था। सो अगला क्वेश्चन है, तृतीय विश्व किसे कहते हैं? तृतीय विश्व हम उन्हें कहते हैं जो कि विकासशील देश है, जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, या फिर उन्हें कह सकते हैं जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, न कि पूर्वी गुट न ही पश्चिमी गुट में। गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए? तो इसमें आप बेलग्रेड और इंडिया, इनके नाम दे सकते हैं। निम्नलिखित को पूरा लिखें, सीटो, तो सीटो की फुल फॉर्म है द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो, सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब आने वाले प्रश्न, इनके मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा क्योंकि इन सभी के आंसर्स मैंने जो पहले प्रीवियस वीडियो जो आपको रिकॉर्ड करके दिया था उसमें मैंने सबको अच्छे से समझा रखा है। बस मैं आपको सिर्फ डिस्कशन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो। तो दो अंक वाले प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है शीत युद्ध क्या होता है? अगर नहीं पता तो आप वह वीडियो देखिए और पता कीजिए शीत युद्ध क्या होता है। दूसरा, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन क्या था? तीसरा, गुट निरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है? चौथा, पूर्वी और पश्चिमी देशों के गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? पांचवा, लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे? छठा, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थी? कोई दो कारण बताइए। आप देख सकते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सभी को डिस्कशन किया था, तो आप वहीं से उनके आंसर भी ले सकते हैं और इनको लर्न भी कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है? आठवां, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया? अब हम बात करते हैं चार अंकों वाले प्रश्न पे। चैप्टर 1 के आपके चार अंक वाले प्रश्न बनते हैं कि शीत युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए, स्पष्ट करें कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय पृथकतावाद था या अलगाववाद नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें। नव स्वतंत्र देशों तथा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के क्या कारण थे? छह अंकों वाले प्रश्न में हम रखेंगे, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा? तीसरा, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके प्रमुख घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। तो गाइज, ये थे फर्स्ट चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटली बार बार पूछे भी जा रहे हैं और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, जो पहले चैप्टर पे अध्याय एक पे जो वीडियो था, तो आपको इनके सभी के आंसर पता होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे एक अंक वाले प्रश्न के ऊपर। तो देखिए पहला प्रश्न, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, इसका अंत कब हुआ? शीत युद्ध के दौरान विश्व को दो गुटों में बंटना, जिसमें शक्ति संरचना द्विध्रुवीय हो गई, जिन्हें अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? 1917 की रूस की क्रांति के बाद। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह ढाला। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहते हैं। सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधार तथा लोकतांत्रीकरण की नीति चलाने वाले नेता कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोरबाचेव। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात CIS का पूरा नाम लिखिए। CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति में एक वाक्य लिखिए।
तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए, तो रूस व यूक्रेन। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किस एक दल का प्रभुत्व रहा था? इसका आंसर है साम्यवादी दल। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? चेक तथा स्लोवाकिया। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 1991 के बाद यूगोस्लाविया में से तीन प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, किन्हीं दो के नाम लिखिए, तो इनके उत्तर है स्लोवेनिया, क्रोएशिया। दो अंक वाले प्रश्न। सोवियत प्रणाली की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखो, तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी व राज्य द्वारा नियंत्रित सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति थी। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत व्यवस्था के लड़खड़ाने के दो कारण लिखिए। इसके दो कारण यह है कि नौकरशाही का सख्त सिकंजा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं आदि, जिससे विरोध बढ़ता गया। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना था। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया था। यह मॉडल सफल नहीं हुआ व जनता को उपयोग के आनंद शोक तक नहीं ले गया। अब हम डिस्कशन करते हैं 6 अंकों वाले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, द्विध्रुवीयता के अंत अर्थात सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। यह आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपका जो रिकॉर्ड किया था अध्याय 2 का, आप उसमें देख सकते हैं। इसका उत्तर उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स बना के लिख रखा है। दूसरा, पूर्व सोवियत संघ में हुए संघर्ष व तनाव पर निबंधात्मक रूप में अपने विचार लिखिए। तीसरा, साम्यवादी देश व भारत के संबंधों का वर्णन कीजिए। चौथा, आपकी दृष्टि में सोवियत प्रणाली क्या एक आदर्श व्यवस्था थी या आप उसे एक असफल प्रणाली की संज्ञा देंगे? पांचवा, सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह अब दफन हो चुका था। इस कथन के संदर्भ में सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। तो गाइज, ये थे 2 चैप्टरों के आपके क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।